मॉर्निंग डियर्स, आज आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस का जो क्रम है उसमें आज थर्ड पार्ट उसका लेक्चर दिया जा रहा है, जिसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की जितनी भी सॉल्यूशन मेथड्स हैं उसमें वन बाय वन करके आपको दिए जाएंगे, समझाए जाएंगे और उसको आप कायदे से स्टेप्स को समझिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी तरह के इक्वेशंस होते हैं, चाहे वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हो या थ्री वेरिएबल्स हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, ये सब अल्टीमेटली इनको डिसॉल्व किया जाता है कि यह किस स्टेप पर पहुंचे, लास्ट स्टेज की क्या होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण में जब पहुंचते हैं तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में पहुंचने के बाद वेरिएबल की वैल्यू आप निकालते हैं और एक चर का जो सॉल्यूशन होता है उस इक्वेशन का, उसको ऑलरेडी बता दिया गया है कि उसमें तब तक कुछ स्टेप्स फॉलो करते रहते हैं जब तक कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को दोनों को अलग अलग पक्षों यानी वाम पक्ष और दायां पक्ष की तरफ कर नहीं लेते। अब देखिए, सबसे पहले हम लेके चलते हैं, पहला मेथड हम उठाते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि, हिंदी बोलते हैं विलोपन विधि। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये भी दो सब मेथड से होकर गुजरता है। अगर यक्स को एलिमिनेट करते हैं तो भी आपको दिए गए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन मिल जाएगा और अगर वाई को एलिमिनेट करते हैं तो भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट ये डिपेंड करता है कि किसको कम से कम समय में एलिमिनेट किया जा सकता है, ज्यादा टफ रास्ता ना अप्लाई करना पड़े, उस हिसाब से यक्स और वाई में ऑप्शन होता है कि किसको आप एलिमिनेट करते हैं। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे ये आपको हम ढंग दिखा रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल उठा रहा हूं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, 2x plus y is equal to 7, this is your equation number first, and 4x minus 3y is equal to minus 1, this is your equation number second। अब ये देख रहे हैं आप कि ऑलरेडी यह स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, जिस प्रकार स्टैंडर्ड फॉर्म यह है बिल्कुल आप मैच कराएंगे, a1 की जगह 2 है, b1 की जगह y का कोई गुणांक नहीं दिया है इसका मतलब 1 है, c1 की जगह प्योर कांस्टेंट 7 है, a2 की जगह 4 है, b2 की जगह y का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ गलती मत करिएगा आप लोग, यहाँ 3 नहीं -3 कोएफिशिएंट है और c2 की वैल्यू -1 है, क्लियर। अब आप सबका आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म से कौन क्या है, ठीक है, और वेरिएबल से x y दिए गए। इसमें एलिमिनेशन मेथड में मैं आपको बताया कि आइदर एक्स को एलिमिनेट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या फिर वाई को, लेकिन सबसे आसान किस में होगा, एलिमिनेशन के लिए कुछ स्टेप से गुजरना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को हमको वाई को हटाना है, वाई को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहां पर वाई का कोएफिशिएंट -3 है तो यहां पर भी वाई का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखिए, और सिंबल अपोजिट होना चाहिए किसी भी, देखिए एलिमिनेशन के लिए, एलिमिनेशन के लिए यानी जब एलिमिनेट जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन के लिए शर्त होनी चाहिए कि जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उसका कोफिशियंट बराबर होना चाहिए, कोफिशियंट्स, कोफिशियंट्स मींस गुणांक, उसका गुणांक मस्ट बी इक्वल यानी बराबर होने चाहिए, उनके गुणांक बराबर हों, और दूसरा उनके सिंबल्स यानी चिन्ह जो होंगे, चिन्ह अपोजिट होंगे, यानी एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे 5 है, 5 को आपको 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा बताइए, यहां पर -5 को ऐड करना पड़ेगा,
चाहे 5 इसमें से घटा दें और चाहे -5 इसमें ऐड कर दें। तो अगर 5 और -5 रहेगा तो ये डिजॉल्व होकर क्या हो जाएगा, 0, यानी वह वेरिएबल इस तरह का वेरिएबल गायब हो जाएगा। अब दिखाते हैं कि इस इक्वेशन में आपको करना क्या है, एलिमिनेशन। देखिए यहां पर जैसे y का कोएफिशिएंट जो डिजिट जो नंबर की बात करें तो 3 दिया है, यहां y का कोएफिशिएंट 1 दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहां पर भी y का कोएफिशिएंट 3 बनाना पड़ेगा, लेकिन अलग से आप बना नहीं सकते। ये भी ध्यान देना है कि इक्वेशन के फ्रेम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि अगर यहां इसका जैसे यहां पर 3 गुणांक है, यहां पर भी 3 गुणांक बनाना चाहते हैं, तो पूरे पहले इक्वेशन को 3 से यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड भी टोटल डिस्ट्रीब्यूट होगा और राइट हैंड साइड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं आपको बताया था पहले से भी कि अगर किसी भी इक्वेशन में कोई प्रोसेस अगर लेफ्ट हैंड साइड करते हैं और द सेम प्रोसेस आप राइट हैंड साइड भी करते हैं तो वह इक्वेशन के फ्रेम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और न वेरिएबल की कोई वैल्यूज पर फर्क पड़ेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब देखिए इसको करेंगे कैसे, स्टेप्स देखिए। पहले हमको कोएफिशिएंट बराबर करना है, सबसे पहले हम कोएफिशिएंट को बराबर करते हैं। कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए हम एक एल्गोरिथम से चलते हैं। ध्यान रखिए एल्गोरिथम मैथमेटिक्स में किसको बोलते हैं कि जब भी आप किसी चीज को बताते हैं स्टेटमेंट के जरिए बताते हैं तो उस स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में एल्गोरिथम बोलते हैं। तो बीच बीच में आप एल्गोरिथम से आप जो भी आपका सॉल्यूशन चेक कर रहा है वो उसको ध्यान में आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो एल्गोरिथम लिखते हैं, अब हमें यह है कि y को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए देखिए ऊपर सबसे पहले कोएफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग यानी गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 3 वी गेट। 3 से गुणा करने पर हम क्या पाते हैं, 3 से मल्टीप्लाई जब 2x plus y is equal to 7, इक्वेशन को 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, चलिए मल्टीप्लाई करिए पहले लेफ्ट हैंड साइड, 3 टू जा 6x प्लस फिर 3 का इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा 3y इज इक्वल टू फिर 3 से बन जा 21, यानी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इक्वेशन का स्वरूप कैसा होगा, 6x plus 3y 21। अब नीचे वाला जो दूसरा इक्वेशन है इस इक्वेशन को आप यहां पर लिख देते हैं 3y इज इक्वल टू -1, क्लियर। अब देखिए जब अगर हम जैसे यहां पर +5 दिया है, +5 और -5 केवल ऐड कर देते हैं तो 0 हो जाएगा, ठीक। और यहां पर देख रहे हैं आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि यहां प्लस और माइनस ऑलरेडी दिया है, यानी दोनों के गुणांक जो है बराबर भी है अंकों के हिसाब से और सिंबल के हिसाब से अपोजिट भी है। तो क्या करिएगा, अगर अपोजिट सिंबल्स वाले गुणांक दिए गए हैं तो उस वेरिएबल को सीधे आप ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर आप दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आप ऐड करते हैं, इक्वेशंस दोनों समीकरणों को जोड़ने पर आप देखिए 6x और 4x कितना जाएगा 10x और ये क्या होगा +3y -3y, प्लस मतलब दिया, प्लस मींस दिया, माइनस मींस लिया, 3 दिया 3 लिया, दोनों मिलके 0 यानी खलास एलिमिनेट हो गया इज इक्वल टू 21 और -1 20। अब देखिए 10x इज इक्वल टू 20, यहां पर आप देखिए लीनियर इक्वेशन ये वन वेरिएबल में आ गया। अल्टीमेटली मेथड कौन सा लगा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एलिमिनेशन मेथड लगा, बट जो मेथड हमने अप्लाई किया तो अल्टीमेटली ये डिजॉल्व हुआ, लास्ट स्टेज लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में पहुंचा। अब इस वन वेरिएबल इक्वेशन को हम इस तरह स्टेप से चलेंगे जैसे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। फर्दर देखिए, देखिए ये आपका आया 10x इज इक्वल टू 20, क्लियर। अब x खाली करेंगे, आपको जानते बताया कि वेरिएबल वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बिल्कुल अकेला करना पड़ेगा, एक पक्ष की तरफ सिर्फ वेरिएबल रहना चाहिए। खाली करेंगे x इज इक्वल टू 10, इधर क्या है मल्टीप्लाई है,
उधर जाएगा डिवाइड करेगा, जैसे इससे मैंने आपको शो किया था, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2। देखिए x की वैल्यू आप निकल गई, x की वैल्यू जो आपकी निकल जाती है तो ध्यान रखिएगा इस x की वैल्यू को, अब सॉल्यूशन आपका निकल गया, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखिएगा। लेकिन ये भी ध्यान देना है टेक्निकल पॉइंट, आपके पास समय कम होगा, इस दुनिया की रफ्तार बहुत तेज है, कंपटीशन का सिनेरियो चल रहा है इस दुनिया में, तो ध्यान रखिएगा आपके पास समय कम होगा और कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। तो इसमें बताइए किस इक्वेशन में इसमें रखा जाए कि जल्दी निकल जाएगा कि इसमें रखा जाए, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इसमें ज्यादा कोफिशिएंट है, ज्यादा गुणा करना पड़ेगा, इसमें सिंपल सा आ गया है, इसको अगर यहां पर रख देंगे तो तुरंत हमारी वैल्यू निकल जाएगी। कम ऑन, तो ये सस्ता जिसमें गुणांक बहुत छोटे छोटे दिए रहे या ना दिए रहे उस इक्वेशन को जल्दी आप पकड़ा करिए। कम ऑन, 2x plus y is equal to 7, जिसमें x की वैल्यू रख दीजिए। अभी x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2 इंटू x की वैल्यू 2 है प्लस y इज इक्वल टू 7। अब देखिए फिर 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, अब फिर ये भी देखिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में उतर गया। अब y की वैल्यू निकालने के लिए y को खाली करना अकेला करना पड़ेगा एक पक्ष की तरह, y इज इक्वल टू 4 इधर प्लस में है उधर जाके माइनस होगा, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब ये आपके रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, ध्यान रखिएगा ये आपके रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं जब आप x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ठीक है। अब जब आपके सॉल्यूशन निकल जाते हैं तो यहां पर लिखिएगा रिक्वायर्ड आंसर, ये रिक्वायर्ड आंसर है, यानी एग्जामिनर से बता रहे हैं कि जो आप आंसर चाह रहे हैं दैट आई हैव सॉल्व ऑलरेडी। अब देखिए इसी इक्वेशन को अगर 2x plus y is equal to 7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 4x minus 3y is equal to minus 1 दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर इसी में आपको कह दिया जाए कि x को एलिमिनेट करना है तो x को एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, यहां पर कोफिशिएंट 4 है यहां पर कोफिशिएंट 2 है, तो सबसे पहले करिए कि 2 का फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो मल्टीप्लाइंग इसको आप एल्गोरिथम देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय टू वी गेट, दो से मल्टीप्लाई करने पर दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा पूरे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा और लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बाइनोमियल है, दो पद है एक ए है एक ए है तो दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा मल्टीप्लीकेशन। कमान देखिए कैसे 2x plus y इज इक्वल टू 7 में दो से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दो का मल्टीप्लीकेशन ये आ जाएगा 2 जा 4x प्लस फिर यहां मल्टीप्लीकेशन होगा 2y 2 1 जा 2 2 7 जा 14। अब ये रिफाउंड इक्वेशन है, अब देखिए फिर दूसरी वाले को उतारिए 4x minus 3y इज इक्वल टू minus 1, अब देखिए दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो गए बट एक कमी अभी और है, कौन सी, कि अभी इनके कोफिशिएंट जो है वह सेम सिंबल है तो अपोजिट, अभी सेम सिंबल y को आपने जोड़ लिया, अगर इसको जोड़ना चाहेंगे तो 8x आएगा, ये बना रहेगा वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, इसके लिए जरूरी है क्या इसको सबट्रैक्ट करें, सबट्रैक्ट किसी भी इक्वेशन इसको कर देंगे तो भी कट जाएगा जीरो हो जाएगा, या इसको इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे तब भी माइनस किया जाता है तो पूरे इक्वेशन को माइनस किया जाता है, सपोज दैट यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो प्लस 4x माइनस 4x से कैंसिल हो जाएगा और 2y 3y कितना हो जाएगा ये 5y इज इक्वल टू, यहां माइनस 1 प्लस हो गया था क्योंकि पूरे इक्वेशन को माइनस में किया गया, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 5y इज इक्वल टू 15 अगेन ये वन वेरिएबल में आ गया ये चर वाले में, अब y को खाली कर लेंगे y इज इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा 15 बाय 5 दिस इज इक्वल टू 3, देखिए द सेम वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन जिस अब देखिए पहला इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट इजी है इस कोफिशिएंट में आप इस कोफिशिएंट को सॉरी यहां पर y की वैल्यू को इस पहले इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू भी आपकी 2 आ जाएगी,
ये आप लोगों का रहा एलिमिनेशन मेथड, और ये तो समझ लीजिए कि अभी ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म अभी बाकी है, बाकी जो जानकारी आपको करना होगा वह अलग ढंग से आपको दी जाएगी समय पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।